जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको काफी अमेजिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज सैटरडे है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा टेक न्यूज आए हैं, सब कुछ आपको बताता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, आज सुबह दोस्तों मैं आपको पांच ऐसे TWS बताया हूँ जिन्हें आप 5,000 रुपए के अंदर में खरीद सकते हो। जुलाई के मंथ में नए TWS हैं, अगर इंटरेस्ट है तो जाके देख लो, आई बटन पे दे रहा हूँ वीडियो और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है, कल के टेक न्यूज में आपको बताया था ना मैं कि मी 11 अल्ट्रा का गिफ्ट कार्ड आ चुका है, 2,000 रुपए का प्राइस है। एक्चुअली दोस्तों वो प्री ऑर्डर था, कल बताया था ना मैं कि प्री ऑर्डर टाइप का है। अभी दोस्तों जाओ, पहले सेल का रजिस्ट्रेशन चल रहा है मी इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे, रजिस्टर कर लो क्योंकि सोमवार को शायद इसका पहला सेल रहेगा मी 11 अल्ट्रा का और काफी लिमिटेड स्टॉक्स रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी जाओ रजिस्टर कर लो पहले सेल में, तभी आपको मिल पाएगा, ठीक है, उसको आप प्री ऑर्डर भी कह सकते हो, तो जाओ जल्दी से। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट काफी फनी है। अगला अपडेट आ रहा है ColorOS 12 की तरफ से और यकीन मानो ColorOS 12 कम्प्लीटली चेंज्ड होगा। कैसे चेंज होगा? वह हाइड्रोजन OS से इंस्पायर्ड है, हार्मनी OS से इंस्पायर्ड है और MIUI से भी इंस्पायर्ड है। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल चैट सेशन कह चुके हैं जो ColorOS 12 होगा इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्पायर्ड है, इनके कुछ कुछ एलिमेंट्स निकाल के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीग्रेट कर देगा। तो यार ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ColorOS 12 सबका मिक्सर वर्जन रहेगा एंड दोस्तों OnePlus के जितने भी स्मार्टफोन्स होंगे ना आप चाइना में लॉन्च होंगे वो ColorOS के ऊपर ही लॉन्च होंगे, हाइड्रोजन OS के ऊपर नहीं, ColorOS के ऊपर। लेकिन इंडिया में आपको ऑक्सीजन OS के ऊपर दिखाई देंगे। और जो दोस्तों OnePlus का अपकमिंग ऑक्सीजन OS होगा ना, ऑक्सीजन OS 12 प्रोबली, वो भी दोस्तों ColorOS से काफी दोस्तों मिलता जुलता रहेगा, मतलब कि वैसे ही आपको वाइब्स आएंगे। यार ये OnePlus Oppo क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, खास के ColorOS 12 को मैं देखना चाहता हूँ यार, इतना वो मिक्स रहेगा देखना चाहता हूँ उसको मैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है Motorola H20 सीरीज की तरफ से। तो मैं आपको कहा था ना Motorola H20 सीरीज के बारे में बहुत ही जल्द हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम चलेगा एंड ऐसे ऐसे रूमर्स भी हैं कि ये जुलाई के मंथ में डेब्यू कर जाएंगे। देखो रूमर्स हैं, इसको रियलिटी मत ले लेना। Motorola H20 में आपको Snapdragon 778G मिलेगा, Motorola H20 Pro में आपको Snapdragon 870 देखने को मिलेगा, Motorola H20 Lite में आपको Dimensity 720 मिलेगा एंड एक और स्मार्टफोन है उसका नाम नहीं मालूम चला है, उसमें भी आपको Snapdragon 778G मिलेगा। देखो यार स्पेक्स भी बाहर आ चुके हैं लेकिन मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको अच्छे से बताऊंगा, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन मालूम चलेगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, वीडियो के लिए स्टे ट्यून करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है Samsung Galaxy M22 की तरफ से, इसका ऑफिशियल प्राइस बाहर आ चुका है, इसका प्राइस होगा 4+128 वाले वेरिएंट का 21,131 रुपए, 20,000 रुपए थोड़ा सा ज्यादा हो गया। आई थिंक सो कि ये थोड़ा सा कम होगा क्योंकि दोस्तों ये यूरोपियन प्राइस है ना, इसी वजह से थोड़ा ज्यादा लग रहा है। इंडिया में आएगा तो आपको 14-15,000 रुपए के आसपास दिखाई देगा, उससे ज्यादा प्राइस नहीं होगा एंड ये बहुत ही जल्द इसी महीने डेब्यू करेगा इंडिया में M22। तो दोस्तों देखो यार, जब हमारे जियो प्लान का दैनिक कोटा बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है तो बहुत ही तकलीफ होता है यार, पूरा दिन कैसे गुजारेंगे, नेट तो खत्म हो गया, अब पूरा दिन भर हम लोगों को बफरिंग ही झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो यार, इससे बचने का एक नया ऑप्शन आ चुका है, जियो एक नया फीचर लेके आया जिसका नाम है जियो एमरजेंसी डेटा लोन, जहां पर आप 5 GB डेटा लोन ले सकते हो लेकिन पर GB आपको 11 रुपए का पड़ेगा, लेकिन आप बाद में पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 रुपए के हिसाब से अगर आप 5 बार कर दोगे तो आपको करीबन 55 रुपए के आसपास देना पड़ेगा पैसा, तो अच्छा है यार, लोन लेने के मन है तो ले लेना और क्या। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट मेरी बात को सच कर दिया। मैं एक महीने पहले आपको बताया था ना कि सैमसंग का जो अनपैक्ड इवेंट है वो 11 अगस्त को ही होगा, मेरा बात बिल्कुल सही निकला है, 11 अगस्त को ही दोस्तों सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट 2021 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3, Z Flip 3, Buds 2, Watch 4 सीरीज सब देखने को मिलेंगे। आपको ये अपडेट कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है आइस यूनिवर्स की तरफ से। ये दोस्तों बहुत बड़े टिप्स्टर हैं ट्विटर पे, जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं हमेशा सच ही हो जाता है। ये दोस्तों बोलते हैं कि जो वीवो का नेक्स्ट 5 है ना वो इस साल लॉन्च नहीं होगा, लेकिन वीवो का नेक्स्ट फोल्ड इस साल लॉन्च हो जाएगा, वीवो का नेक्स्ट सीरीज का एक फोल्डेबल स्मार्टफोन आएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, वीवो का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन आने वाला है और इसी साल वो लॉन्च होगा, तो कभी भी लॉन्च हो सकता है वो, देखते हैं। कुछ और अगर इन्फॉर्मेशन मालूम चलेगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन फोल्डेबल स्मार्टफोन आ रहा है वीवो का नेक्स्ट सीरीज के अंदर में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है Realme GT Master Edition के तरफ से। ये दोस्तों कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर आपको Snapdragon 870 देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आ चुके हैं, तो अब तो कंफर्म भी हो गया है।
चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है वन प्लस 90 की तरफ से। मैं आपको एक हफ्ते पहले बताया था ना कि वन प्लस 90 में आपको स्नैपड्रैगन 888+ मिलेगा, वो तो बात सही है, लेकिन आज कुछ कैमरा डिटेल्स आ चुके हैं। वन प्लस 90 में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा जो हेजल ब्लेड का होगा, एंड ये जो स्मार्टफोन है ना ये कलर ओएस पे रन करेगा। जी हाँ दोस्तों, कलर ओएस पे रन करेगा, चाइनीज मार्केट्स में कलर ओएस पे रन करेगा, इंडिया में आएगा तो ऑक्सीजन ओएस पे होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है गैलेक्सी वॉच 4 सीरीज की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 सीरीज जो 11 तारीख को लॉन्च हो जाएंगे, 11 अगस्त को, उनका प्राइस बार आ चुका है। गैजेट 360 बताए हैं गैलेक्सी वॉच 4 का प्राइस 30,900 से लेके 32,070 रुपए के आसपास होगा साइज के अकॉर्डिंग, और वॉच 4 क्लासिक का प्राइस होगा 41,600 से लेके 44,200 तक। तो प्राइस तो आपको मालूम चल चुका है, एंड मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स 2 का भी प्राइस बता दिया था, उसका प्राइस 12,000 रुपए के आसपास होगा। तो सब कुछ तो क्लियर हो गया है एंड लॉन्च डेट भी मालूम चल चुका है, बस इंतजार ही करना है हम लोगों को। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट अगर आप सुनोगे तो आपका दिल टूट जाएगा, चकनाचूर एकदम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टेक्नो फैंटम एक्स के लिए एक्साइटेड हो ना, ये लॉन्च हो चुका है नाइजेरियन मार्केट्स में आज। इसका प्राइस जानते हो कितना है? 34,990 रुपए। 35,000 रुपए का लॉन्च हुआ है, पता नहीं क्या सोच के प्राइस रखे हैं यार। हीलियो G95 दे रहे हो, मानते हैं कर्व डिस्प्ले है, इसका मतलब ये नहीं कि ओप्पो रेनो 5 प्रो जैसा प्राइस रख दोगे, वैसा प्राइस मत रखो यार। और इंडिया में भी दोस्तों जो नाइजेरियन प्राइस होता है ना उसी के आसपास ही लॉन्च होगा, प्रॉबली आपको 30,000 रुपए के आसपास दिखाई दे देगा, नहीं तो 32,000 रुपए के आसपास। लेकिन फिर भी क्या 32,000 रुपए में हम लोगों को एक 4G स्मार्टफोन लेना चाहिए जस्ट बिकॉज वो कर्व डिस्प्ले दे दे रहा है? तो यार ऐसा नहीं है भाई, कम से कम इसको इंडिया में 25,000 रुपए या फिर 28,000 रुपए के आसपास भी लॉन्च करोगे तो भी इसको कोई परचेज नहीं करेगा। मेन बात तो 4G दे दियो, यही सबसे गलत बात है, बाकी जितना भी फीचर दे दो। आजकल 5G का क्रेज है, अगर कोई बनता 30-32,000 रुपए लगा रहा है तो उसको अपना फ्यूचर सेव करना है कि भाई मैं 35,000 रुपए लगा रहा हूं तो मुझे एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए, कर्व लेके क्या करूंगा मैं जब 5G नहीं है। तो दोस्तों बस यही था फाइनल अपडेट। आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 50 लाइक का यार। आजकल आप बहुत अच्छे तरीके से एम पूरा कर दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे यार एम्स पूरा करते रहो, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा टेक न्यूज लेके आता रहूंगा, चाहे रात का जितना ही बच जाए वीडियोज तो अपलोड होके ही रहेंगी, चाहे जितना भी न्यूज आ जाए पूरा कवर करेंगे बैठ के, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साइड के बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कर दो। यार पीछे थोड़ा नॉइज है, उसके लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरे तरफ बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं। जल्दी से इस वीडियो को खत्म करते हैं, तो चलिए मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में। चलिए बाय। आज का एंडिंग ठीक से हो नहीं पाया यार, इतना नॉइज क्रिएट कर देते हैं।